पिछोर बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी को विधायक लिखने पर प्रिंटिंग प्रेस संचालक पर एफआईआर दर्ज। शिवपुरी जिले के करीरा में धार्मिक आयोजन के आमंत्रण कार्ड पर भाजपा प्रत्याशी को विधायक लिखने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालक के खिलाफ करीरा तहसीलदार की शिकायत पर अमोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि करीरा अनुविभाग की ग्राम पंचायत सिरसोद में 17 दिसंबर को भगवान राम और माता जानकी की शादी विवाह पंचमी के दिन संपन्न हो रही है। इस धार्मिक आयोजन के लिए आमंत्रण पत्र भी छपवाए गए थे, लेकिन आमंत्रण पत्र विवादों में आ गया था। दरअसल क्षेत्र में बांटे गए आमंत्रण पत्र में पिछोर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी को बताया गया है, जबकि पिछोर से वर्तमान विधायक केपी सिंह कक्काजू हैं। इस आमंत्रण पत्र में बकायदा पिछोर से भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी और उनकी धर्मपत्नी की फोटो भी लगाई गई है। साथ ही नाम के नीचे प्रीतम लोधी को पिछोर विधायक लिखा गया है। वहीं इस आमंत्रण कार्ड में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को पूर्व विधायक बताया गया है, जबकि वे वर्तमान में कोलारस विधायक है। जानकारी के मुताबिक ये गलती प्रिंटिंग प्रेस द्वारा हुई है। इनके साथ ही आयोजकों ने भी ये त्रुटि भरे कार्ड बांट दिए। अब ये धार्मिक आयोजन के कार्ड इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। इस मामले में आयोजक मंडल की ओर से सरपंच अतर सिंह लोधी का कहना है कि प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हुआ है। उनके द्वारा प्रीतम लोधी को भाजपा प्रत्याशी लिख के दिया गया था। बता दें कि प्रिंटिंग प्रेस की गलती आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आती है। इसी के चलते तहसीलदार की शिकायत पर अमोला थाना पुलिस ने सिरसोद गांव के प्रिंटिंग प्रेस के संचालक आनंद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अंतर्गत जो मामला दर्ज किया वो क्या है? ये धार्मिक आयोजन होने वाला था, वहाँ पर उसके संबंध में कार्ड छापे गए थे। उस कार्ड छापने में कुछ आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित प्रिंटिंग हुई थी, जिसकी तहसीलदार द्वारा जांच करके थाना मोहला पर रिपोर्ट दी गई, जिसमें 188 की कार्रवाई की गई। सर, इसमें आयोजकों की कोई गलती नहीं है सर, जिन्होंने इस तरह का उनके जो जांच रिपोर्ट दी है उसमें प्रिंटिंग प्रेस वाले की गलती पाई गई थी। आनंद लोहार के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो जो उसमें पहले जो बना के दिया गया था वो सब कुछ इकट्ठे किए थे, तो उसमें उसने या तो गलती से या जानबूझकर जो भी किया होगा, इस कारण से 188 का मुकदमा कायम किया।